ये कश्मीर लाइव का लाइव ब्रॉडकास्ट है। इस टाइम पे हम पीडीटी दफ्तर के बाहर है और जिस घर से हम यहाँ पर आए थे कि हम चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन उनसे बात करें। दरअसल बात यह है कि पावर टैरिफ को लेकर जो है पिछले कुछ वक्त से बहुत सारी बातें हो रही है। अभी हाल ही दिनों में जो टैरिफ में इंक्रीमेंट हुआ है, स्पेशली नॉन मीटर्ड एरियाज में जो पावर टैरिफ में इंक्रीमेंट हुआ है, उस चीज को लेकर पीडीटी ने एक कल एक स्टेटमेंट इशू किया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जो पावर टैरिफ में हाइक है वो एक हाइक जो हुआ है वो रैशनलाइजेशन कैलिब्रेट किया गया है, रैशनलाइजेशन एज पर द सैंक्शनड लोड। वहीं पर लोगों का ये कहना है कि 500 से लेकर उनकी जो बिल्स है अभी आज फ्लैट रेट्स आ रही है वो 900, 1600 और 2100 तक अब कई इलाकों में पहुंच चुकी है, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है। उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से उन्हें फ्लैट रेट बेसिस पे बिल्स आ रही है नॉन मीटर्ड एरियाज में, उतनी उनकी बिजली की कंजप्शन भी नहीं है। अब इस चीज को लेकर हम चाहते थे कि हम चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन उनसे बात करें, लेकिन उन्होंने अभी बात करने से जो है इनकार कर दिया। उन्होंने अभी कहा कि वो गालिबन किसी मीटिंग में जा रहे हैं। हमने दिन में भी उनसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने उनको कॉल किया उन्होंने कॉल के ये कहा कि मुझे ऐसे कॉल ना करें। और मैं आपको बता दूं, बिजली बिल्स को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है। एक जो ही स्मार्ट मीटर्स का कॉन्सेप्ट जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद काफी ज्यादा रेजेंटमेंट हुई कई सारे एरिया से, बट इवेंचुअली अगर हम देखें बात श्रीनगर की करें, कई सारे इलाकों में स्मार्ट मीटरिंग की गई। वहीं पर पीडीडी के मुताबिक, उनके एक स्टेटमेंट के मुताबिक, जो पॉपुलेशन है, कंज्यूमर बेस्ड पॉपुलेशन है, आउट ऑफ 100% सिर्फ 32% अभी ऐसे एरियाज है जहां पर स्मार्ट मीटरिंग की गई है। और उनका ये कहना है कि जो टैरिफ यहाँ पर सेट किए जाते हैं वो टैरिफ जो है जॉइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो सेट करती है। अब यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि जब जॉइंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी एक पीडीडी के मुताबिक रेट्स को टैरिफ को सेट करती है, वही लोगों का ये कहना है कि जिस हिसाब से उनके बिल्स आ रहे हैं उतनी उनकी कंजप्शन भी नहीं हो रही है। वहीं पर जो नोट जो पीडीडी ने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि अगर किसी शख्स को लग रहा है कि उनकी बिल ज्यादा आ रही है तो वो अप्लाई कर सकते हैं स्मार्ट मीटरिंग के लिए और एज पर द यूसेज वो पे कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कल एक इसमें डेवलपमेंट ऐसे इस तरीके से हुई, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जो है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने जो ये हाइक है इन बिल्स को लेकर उस चीज को लेकर ट्वीट किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पीडीडी ने कल एक क्लैरिफिकेशन नोट जो है एक स्टेटमेंट इशू किया, जिस चीज में उन्होंने कहा कि हाइक नहीं हुआ है, देयर इज नो हाइक, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, हाइक नहीं हुआ है बल्कि रैशनलाइजेशन कैलिब्रेट की गई है एज पर द सैंक्शनड लोड, जो भी किसी कंज्यूमर का है उसी के मुताबिक उन्होंने जो है रेट्स को रिवाइज किया है और जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो ज्वाइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इसका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है उन्होंने रेट टैरिफ जो है वो तय कर लेते हैं। अब इसमें मजीद हम कोशिश करते कि हम चीफ इंजीनियर से बात करते कि उनका ये कहना कि आज यहाँ पे किस तरीके से वो अभी रैशनलाइज कर रहे हैं, किस तरीके का मैकेनिज्म उन्होंने फॉलो किया है, क्योंकि लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि जिस हिसाब से उन्हें नॉन मीटर्ड एरियाज में बिल आ रहे हैं। आप जैसे ही देख सकते हैं ये मनाजर, ये चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, हमने जब कोशिश की थी उनसे बात करने की, ये मनाजर यहाँ पर मैं बोलूंगा अपने कैमरामैन को वो दिखाए आपको, ये क्या चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, यहीं से हमने कोशिश की थी उनके पास जाने के लिए और उनसे हम बात करते और उनसे जानने की कोशिश करते आखिर किस तरीके का मैकेनिज्म है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने जो है यहाँ पर पावर टैरिफ उसमें इंक्रीमेंट किया स्पेशली नॉन मीटर्ड एरियाज में। वही उनका ये कहना है कि जो कश्मीर की जो अभी कंज्यूमर बेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बेस है वो 9,80,000 से जायद है, जिसमें करीबन सिर्फ 32% 3 लाख से जायद जो है सिर्फ मीटर्ड है। अभी जैसे पीडीडी का ये भी कहना है कि वो AT&T जो लॉसेस होते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए ये जो आने वाले वक्त में वो हर जोन में मीटरिंग भी करेंगे, स्मार्ट मीटरिंग भी करेंगे और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो आने वाले वक्त में जो है जो केबलिंग है, एलएनटी केबलिंग जो है उसे भी करना चाहते हैं। तो अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी किस तरीके से जो ये स्मार्ट मीटरिंग का प्रोजेक्ट है कैसे आगे चलता है और जिस हिसाब से लोगों को बिल्स आ रहे हैं जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्या उन्हें कोई राहत मिल सकती है या नहीं। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।